हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं और वो एक्सपेरिमेंट है हाउ टू मेक हाइड्रोजन गैस, यानी कि बालून में जो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है, वो किस तरीके से तैयार होती है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट मज़ीद देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल मिस्टर पाकिस्तानी हैकर पर जाकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, और आज का एक्सपेरिमेंट जो है आपको इसी चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। मज़ीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा फ्रेंड्स कास्टिक सोडा, ये हमारा कास्टिक सोडा है, और इसके बाद हमें चाहिए होगा एलुमिनियम फॉइल, ये मैंने कुछ पीसेस कर रखे हैं, गोल गोल कर रखे हैं, और इसके बाद हमें चाहिए होगा बोतल में इतना सा पानी, इसके बाद हमें बालून चाहिए होगा, और एलुमिनियम फॉइल आप कुछ इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, डायमंड की एलुमिनियम फॉइल है और यहाँ पर अंदर इसका पूरा रोल है, आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने परचेज किया है। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते, जुगाड़ लगाना चाहते हैं, वो भी फ्री का, आपको बताता चलूं कि अक्सर बेकरीज में आप केक वगैरह परचेज करते हैं, उसके नीचे जो गत्ता होता है गोल सा, वहाँ पर भी एलुमिनियम फॉइल मौजूद होती है। इसके बाद सिगरेट के अंदर जो होता है वो भी एलुमिनियम फॉइल मौजूद होती है, सिगरेट के अंदर की जो कली होती है वो भी एलुमिनियम फॉइल की होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, हर टैबलेट के जो मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, हर टैबलेट के पीछे भी एलुमिनियम फॉइल मौजूद होती है, जो कि सील पैक करने में मदद देती है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। आपने इस तरीके से कुछ करना है, कास्टिक सोडा इतनी क्वांटिटी में आपने ले लेना है, बोतल के अंदर डाल देना है, और बोतल में डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं, बोतल में मैंने कास्टिक सोडा डाल दिया है, और इसे जब मिक्स कर लूँगा, मिक्स करने के बाद जो है एलुमिनियम फॉइल डालूंगा और ऊपर अपना बालून चढ़ा दूंगा, फिर रिएक्शन देखिएगा कितना कमाल का रिएक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, अब जो है हमारी बोतल गर्म हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। अब देखिएगा रिएक्शन कैसे होता है। आप देखें, गुब्बारा हमारा चेक कर सकते हैं, रिएक्शन होना शुरू हो चुका है। मैं थोड़ा कैमरा आपको दिखा दूं इस तरीके से, तो भाप आप चेक कर सकते हैं, भाई करीब से चेक कर सकते हैं भाप, और यहाँ पर ऊपर बालून चेक कर सकते हैं, बालून हमारा तैयार है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है, उबल रहा है, यकीन माने कि ये उबल रहा है, और बॉटल इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है कि यार ये पिघलना शुरू हो गई है, और यार ये तो पिघलना शुरू हो गई है यार, और फ्रेंड्स ये तो पिघलना शुरू हो गई है, इससे पहले कि फट जाए मैं इसे, मैंने फ्रेंड्स ज़्यादा मिला दिया है। तो अभी फ्रेंड्स मैं निकाल ही लेता हूं इससे, यहां पर रखता हूं। तो फ्रेंड्स चेक कर सकते हैं, ये बालून है मेरा और मैंने निकाल लिया है। यार काफ़ी डर लग गया था क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, और मज़ा भी आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार इसे करने में। और आप बोतल की हालत चेक कर सकते हैं, मैं बोतल की हालत आपको दिखा दूं, रिएक्शन अभी भी हो रहा है।
यार आप बोतल चेक कर सकते हैं यार, बोतल ऊपर से जो है सुकड़ गई है, कमज़ोर हो गई है, और बोतल की हालत आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली इस वजह से हुआ है, मैंने जो एलुमिनियम फॉइल है वो भी ज़्यादा डाल दी है और कास्टिक सोडा भी ज़्यादा डाल दिया है, इसी वजह से जो रिएक्शन है वो ज़्यादा हो गया। अभी तक रिएक्शन हो रहा है यार, अभी तक रिएक्शन हो रहा है, और गर्म देखें कि हाथ नहीं लग रहा यार। वाओ ये तो अंदर चेक करें फ्रेंड्स, धुआं अंदर चेक करें, धुआं लगता है कि इससे एक और बालून जो है तैयार हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि एक और काम करते हैं। Awesome यार, मजा आ गया यार, शॉकिंग एक्सपेरिमेंट है यार, डर तो लग गया था यार, बोतल फटने वाली थी, लेकिन अब जो है ठंडी हो चुकी है। चेक कर सकते हैं यार, ये एक नॉर्मल बोतल है, ये चेक कर सकते हैं, मैं ये पुरानी बोतल है, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, और ये भी 1.5 लीटर की बोतल है, ये भी 1.5 लीटर की बोतल है, और दोनों की दोनों ड्यू की बोतल है, और साइज देख सकते हैं, इसके साइज भी छोटा हो गया यार, कमाल का ऑसम एक्सपेरिमेंट निकला यार। और ये आप चेक कर सकते हैं कवर, और आइडिया लगा सकते हैं कि इसका साइज कितना छोटा हो चुका है, ऊपर से ये बिल्कुल सेम पतली हो चुकी है, और नीचे से इसकी शेप वही की वही है, और अभी तक ये गर्म है यार, कमाल का रिएक्शन है, काफी ज्यादा गर्म है, हाथ तक नहीं लग रहा। और चेक कर सकते हैं ये छोटी हो चुकी है फ्रेंड्स, ये छोटी हो चुकी है। और बात करें यार एलुमिनियम फॉइल के हवाले से, तो वो इसमें ख़त्म हो चुकी है, यानी कि जल चुकी है, और बालून हमारा हाइड्रोजन गैस चेक कर सकते हैं तैयार हो चुकी है। और अब इसे छोड़ूं तो ये ऊपर जाएगा, ये चेक कर सकते हैं क्या। तो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं ये ऊपर जा चुका है, और हाइड्रोजन गैस जो है हमारी बन चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़बरदस्त लगा होगा, बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन आप ऐसा एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये डेंजरस भी आपके लिए साबित हो सकता है, ख़तरनाक साबित हो सकता है। हाइड्रोजन गैस आप किसी दुकान वाले से ही भरवा लें वो बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और इस तरह के मज़ीद एक्सपेरिमेंट आपके सामने ला सकूँ। बाय बाय।